अस्सलाम वालेकुम एस गुल चैनल के साथ सारिम गुल एक और ब्लॉग लेकर हाजिर है। तो कल हमने एक छोटा परिंदा पकड़ा है, हमें मालूम नहीं है मैंने पकड़ा कि वो परिंदा कौन सा है, हमें लगता है बुलबुल है। तो आज हम उसे आज़ाद करने वाले हैं। मैंने वैसे शॉर्ट वीडियो भी डाली थी लेकिन आपने बताया नहीं कि उसको आज़ाद करना के चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिलहाल हमने यही कहा कि इसको आज़ाद करते थे। मैं इसलिए इसको पकड़ के लाया था कि इसको बड़ा करेंगे फिर इसको आज़ाद ही कर देंगे। तो ये वो परिंदा छोटा, ज़्यादा तंग भी नहीं करना ना, ये थोड़े नन्ही जाने ये फिर उड़ उड़ के फिर उसको ना सांस चल जाता है। ये तो पकड़ी नहीं जाती है, तुम बहुत देखो ये तेज बड़ी है। देख ये मिट्टी रखी हुई है, इसके लिए मिट्टी में खेलती है क्या? बहुत छोटी है। अब यहाँ से बनाओ, यहाँ से वीडियो बनाओ। और हमने देखा है बाहर आई हुई है बुलबुल, ऐसे ही आई हुई है इसके जैसे परिंदे, तो हम इसे अभी आज़ाद कर देते हैं। हट स्पून क्यों नहीं करती आ रही है। और हमारे यहाँ पे पैरट्स, ये भी बहुत तंग करते हैं, बाजरा सार नीचे गिरा। ये थोड़ी तेज है और इसको थोड़ा दबा के ना पकड़ना, ये इनकी नन्ही जान निकल जाएगी जान। ओह ये तो मैं सोचा ही था कि ये उड़ेगा। ये पकड़ना, ये पकड़ो अभी कैमरा मैन दिखाओ ना, दिखाओ इसे, मेरे हैंड में बैठ जाए। ना 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 अब इसको थोड़ा छेड़ेंगे तो ये उड़ेगी। पहले एक मिनट दरवाजा बंद कर लेते हैं थोड़ा सा वीडियो। वो सामने ये जो अभी नजर आ रही है ना, ये यही है, तो बिल्कुल सेम है। ये इसी को आवाजें दे रही है, वो भी इसी आवाजें दे रहा है। ये एक कवा है, ये बाप ऐसी के पीछे आ रहे हैं। दो कवे, तो मैं समझने लग रही है हम इसे आज़ाद करें या ना करें, लेकिन अब तो उड़ जाओ। हमने ऐसे बहुत सारे परिंदे आज़ाद किए लेकिन सबसे ज़्यादा जलील यहीं कर रहा है। पहले एक बुलबुल का बच्चा पकड़ा था, वो बड़ा सारा था, पर तुमने जाना यहाँ से। हमने उसको ऊपर फेंका था और वो खुद ही उड़ के चला गया था माँ बाप के साथ। ये बैठी बस बना वीडियो, ये बैठी हुई सामने फिर बैठी है, उड़ गई अभी। मैंने भी देखी है, उड़ी है। आपको इतनी क्लियर आवाज़ नहीं आई, ये बिल्कुल साथ बैठी थी, वो अभी भी आ रही है। तो अभी हमने फैसला किया कि हम खुद से इसे नहीं उड़ाएंगे, तो अगर कोई इसके जैसा परिंदा इसे देखेगा तो इसके ऊपर आके बैठ जाएगा और इसे खुद छुड़वा कर ले जाएगा। तो हमने दरवाज़ा भी खोल दिया और ये खुद जब चाहे निकल सकती है, तो इतनी हमने सहूलत दे दी है। सामने बैठा है, अभी तक इसकी माँ नहीं आई इसे लेने, आ जाएगी जल्द। हम बैठे हैं इसके साथ, आवाज़ें दे रही हैं, ये भी दे रहा है, आगे से भी मिल रही हैं ऐसी आवाज़ें, अभी दो तीन बार गुजरी भी हैं। आ गई कहाँ पे? बाहर बैठी, देखो हम आपको दिखाते हैं, वो बैठा है।
आखिरकार निकल गए हम, सही से रिकॉर्ड नहीं कर सके। आपको भी शायद नजर ना आ रहा हो। नजर आ रहा, देखें वो, ये इसे ढूंढ भी रहे हैं यहाँ पे, ये ढूंढ के रहे हैं, उनको मिल गया वो, लेकिन तो वो थोड़ी सी आवाज़ें निकाले तो ये देखें वो अब सही नजर आ रहा है, वो आवाज़ें निकाल रहा है, देखो वो पास वो आ गई, देखो वहाँ मिल गया, मिल गया मिल गया, ये इसको पीछे 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 यार, वो उड़ा है, वो उड़ा भी है, देखो वो लटका हुआ है, वो लटका हुआ है, मिल गई इसे अपनी फैमिली, मिल गई, यस मिल गए मिल गए मिल गए, ये मिल गए हैं, मिल गए हैं, इनको अपनी फैमिली मिल गई। हमने अपने छोटे बुलबुल के बच्चे को उड़ा दिया, आज़ाद कर दिया, वो यहाँ पर खुश नहीं था और थोड़ी ख़राब भी लग रहा था, तो हमने उड़ा दिया और जैसा हम सोच रहे थे वैसा ही वो अपने अपने जैसे परिंदों से जा कर मिल गया, जैसे कि हमने आपको दिखाया, और हमें बड़ी खुशी हो रही है। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।